able to organize observation and evidence. Ye clear sabhi ne? Next, problem oriented and solving ability. Problem oriented and solving ability. Problem oriented and solving ability. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए. ये सारी कैरेक्टरिस्टिक है, बट जो टॉप टू है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना. थर्ड से लेकर बाकी जितने भी पॉइंट्स लेके दीज आर सेकेंडरी. नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पे ऊपर चलते हैं, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं. किसी भी रिसर्च प्रोसेस में स्टेप्स क्या होते हैं? सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स इन रिसर्च, बेसिक स्टेप्स. अब इसमें से एक क्वेश्चन मिनिमम आएगा ही आएगा, ध्यान रखना. इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा. क्लास में से एनी स्टूडेंट, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ठीक है, और कोई? सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड करना. सबसे पहले क्या डिसाइड करना है? सब्जेक्ट. जरूरी नहीं है इफ आई एम अ साइंस स्टूडेंट तो मेरा हर टाइम रिसर्च का टॉपिक क्या होगा, किससे रिलेटेड? साइंस से रिलेटेड ही होगा. कोई जरूरत नहीं है. इफ आई एम अ साइंस डिग्री होल्डर तो मैं साइंस में ही करने घुस जाऊंगा. कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी वर्ल्ड में मुझे कोई दूसरे टॉपिक में रिसर्च करने से नहीं रोक सकता, ध्यान रखना. मेरे पास फुल फ्लेज पावर है.